ताकि देख लो ये अस्त्र कैसा है। इसी से फोड़ी है आप सबकी मछलियाँ दूर से छुप छुप कर, इसलिए तो उसे कोई पकड़ नहीं पाया, किंतु हमने उसे पकड़ लिया क्योंकि हम राधा हैं। राधा बिल्कुल सही कह रही है, कान्हा ने ही हमारी मटकी फोड़ी है। कान्हा ने ये ठीक नहीं किया, हम उससे इतना प्रेम करती हैं और उसने हमारी ही मटकियां तोड़ दी, ये बात हमें नंदरानी को बतानी होगी। इसने चढ़ी ने वही किया, इसका मुझे डर था, इससे पहले ये बात मैया तक पहुँचे मुझे मैया तक पहुँचना होगा। मैया मैं सहायता करूँ आपकी बात बनाने में? क्यों नहीं, एक काम कर, तू बाहर जाके खेल, वही हमारी सबसे बड़ी सहायता होगी। लल्ला क्या बात है, आज तुझे अपनी सखाओं के साथ खेलना नहीं है? मैया बाहर मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? मैया यहाँ लल्ला बता मुझे क्या बात हुई, किसी ने कुछ कहा तुझे? मैया अगर कोई कुछ मुझसे कहे भी तो मैं नन्ना सा बाल गोपाल क्या कर सकता हूँ? मैया मैया लोग मुझ पे संदेह करते हैं तो सत्य ही करते होंगे। संदेह, किसका साहस जो तुझ पे संदेह करे, और किस बात का संदेह? मैया वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, किंतु गोपियों को लगता है कि उनकी मटकी मैंने तोड़ी है। गोपिकाएं ऐसा कहा उन्होंने तुझसे, बोल मुझे। नहीं नहीं मैया, तुम गोपियों पे बिल्कुल क्रोध मत करना, होगी मुझ में कोई कमी? नहीं लल्ला। कीर्ति बहन देखा तुमने, मेरा लल्ला सदैव सबके हित के बारे में सोचता है, और ये गोकुल की गोपिकाएं हमेशा उसमें कोई ना कोई दोष ढूंढती रहती हैं। मैया ये बात तुम जानती हो, किंतु उन गोपियों को कौन समझाए? देखना मैया अभी सब आती ही होंगी मेरी झूठी शिकायत लेके। नंदरानी रामायण आपने मंगाई थी ना, मैं ले आया। ये आपने बहुत अच्छा किया दामोदर जी, ले जाइए मंदिर में संभाल के रख दीजिए। कीर्ति बहन त्योहार के दिन रामायण की कथा पढ़ना बहुत ही शुभ होता है, मैं आज रामायण की कथा पढ़कर राधा और लल्ला दोनों को सुनाऊंगी। क्यों लल्ला सुनेगा ना रामायण की कथा? हाँ मैया मुझे रामायण की कथा अत्यंत प्रिय है।